भिंडी खाना ऑलमोस्ट सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें भिंडी खाना पसंद नहीं होता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन की मैं बता देती हूँ कि भिंडी खाने से आप अपना डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, साथ में आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको भिंडी मतलब ज़्यादा नहीं खा सकते आप, तो मतलब मंथली में या फिर वीक डेज में आपको एक या दो बार ज़रूर खानी चाहिए। भिंडी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत ही हरी सब्जी होती है, तो हरी सब्जी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पेशल इंडियन फूड। मेरा नाम है शुश। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे भिंडी और प्याज की सब्जी। भिंडी और प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है। इस भिंडी को मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। आप चाहे तो धोने के बाद इसे 5-10 मिनट के लिए पंखे में छोड़ दीजिए या फिर धूप में छोड़ दीजिए, इसके ऊपर नमी नहीं रहनी चाहिए। अब भिंडी आप बिल्कुल फ्रेश ले, एकदम कच्ची भिंडी ले आप। अब हम भिंडी को कट करेंगे, तो कट करने के लिए सबसे पहले हम भिंडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है डंठल, उसे हम हटा देंगे और जो एंड का जो पार्ट होता है फ्रेंड्स वो भी हम हटा देंगे। और उसके बाद हम भिंडी के 4 पीसेस करेंगे। अगर आप भिंडी आपकी छोटी है तो आप 4 पीस कीजिए, अगर भिंडी आपकी बड़ी है तो आप 6 या 7 पीसेस कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा आपको छोटा भी नहीं रखना है साइज़ और ज़्यादा आपको बड़ा भी नहीं रखना है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए आप इसे मीडियम ही काटें। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप भिंडी लें तो आप उसको देख लीजिए अच्छे से कि वो कच्ची भिंडी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पकी भिंडी निकलती है तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। सभी भिंडियों को मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ में कट करके रख लिया है। और आप इस बात का ध्यान रखें, भिंडी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसके ऊपर नमी नहीं होनी चाहिए, वरना भिंडी लेस छोड़ देगी बनने के बाद। 8-10 लहसुन की कलियों को मैंने छील के रख लिया है फ्रेंड्स, साथ में मैंने 3 प्याज को भी छील के रख लिया था। तो अब हम एक प्याज में से 4 पीसेस करेंगे और जो पीसेस होंगे फ्रेंड्स उसके हम पार्ट्स अलग कर देंगे। आप चाहे तो प्याज को मीडियम चॉप कर सकते हैं या फिर बारीक चॉप भी कर सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं और सारे पार्ट्स को हम अलग कर देंगे इसी तरह से। सभी प्याज के पार्ट्स हमने अलग कर दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चॉप करेंगे लहसुन को, तो लहसुन को मैं यहाँ पर बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो मीडियम चॉप कर सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो सभी लहसुन को हमने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया। अब हम यहाँ पर चॉप करेंगे हरी मिर्च को, तो हरी मिर्च को भी मैं यहाँ पर बारीक चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो बीच से कट करके या फिर मीडियम चॉप करके भी हरी मिर्च को डाल सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। सभी चीज़ों को मैंने चॉप करके रख लिया फ्रेंड्स। अगर आपके पास अदरक है तो आप उसे मीडियम चॉप करके या फिर पीस के आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। मीडियम फ्लेम पे सरसों के तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है फ्रेंड्स। आप सरसों के तेल की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम यहाँ पर डालेंगे चॉप की हुई भिंडी जिसे मैंने मीडियम चॉप करके रखा हुआ है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। भिंडी को भूनने से ये होता है फ्रेंड्स कि आपकी जो भिंडी है वो बनने के बाद बिल्कुल भी टूटती नहीं है और वो लेस नहीं छोड़ती है। तो इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती है। और हाँ, आपको बिल्कुल चलाते हुए इसे रोस्ट करना है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम आप हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए। भिंडी को रोस्ट करते हुए फ्रेंड्स पूरे 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने मीडियम चॉप करके प्याज को रखा हुआ है, उसे हम भिंडी के साथ में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। भिंडी और प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। उससे पहले आप गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए, वरना भिंडी और प्याज नीचे से जल सकती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, भिंडी और प्याज पे कितना प्यारा कलर आया है। सरसों के तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए लहसुन और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि
भिंडी में अच्छा फ्लेवर आए, आप चाहें तो अजवाइन से भी तड़का लगा सकते हैं और इसे हल्का सा रोस्ट करना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हरी मिर्च को भी। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर को बारीक चॉप करके रखा हुआ है, इसे भी हम डाल देंगे। टमाटर को हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च अब हम इसमें डालेंगे नमक और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। देखिए फ्रेंड्स, नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालिए क्योंकि भिंडी बनने के बाद थोड़ी हो जाती है, तो अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर भिंडी में ज़्यादा नमक हो जाएगा जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, अगर देखा जाए तो 4-5 टेबल स्पून पानी है ये, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी हमने ड्राई मसाले डाले वो अच्छे से भुन जाए और उसका अच्छा फ्लेवर आए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसे भी अच्छे से भुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले को हमने इतना भुना है कि मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रोस्ट की हुई भिंडी और प्याज को रखा हुआ है, उसे मिक्स कर देंगे मसाले में और इसे अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ में, ताकि भिंडी और प्याज में सभी मसालों का फ्लेवर अच्छा आए। भिंडी को मसाले में हमने अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम भिंडी को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हल्की सी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें इसे। 2 मिनट हो चुके हैं भिंडी को ढककर पकाते हुए, तो प्लीज़ एक बार आप बीच में चेक कर लें वरना भिंडी नीचे से लग सकती है। और आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल भी नीचे से लगी नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। तो नींबू के रस के मैंने बीज निकाल दिए हैं, आप बीज निकाल के इसका रस डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, साथ में भिंडी बिल्कुल भी लिसली सी नहीं बनती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम भिंडी को ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं भिंडी को ढककर पकाते हुए, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो देखिए हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि भिंडी और प्याज में अच्छा फ्लेवर आए इसका। और गरम मसाला आप एंड में ही डालें, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि भिंडी हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। भिंडी और प्याज की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, और आपने देखा इसे बनाना कितना सिंपल था, साथ में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है भिंडी। आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। और सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको वीडियो में बताई है, अगर आप कि फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।